सभी को, और आपको बताऊं मेरा सर इतना दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है कि बस पूछो मत। क्योंकि रात को मम्मी ने कुछ खाना बनाया नहीं और मैंने बाहर से खाना नहीं था, क्योंकि मैं मॉर्निंग से लेकर पूरे शाम तक बाहर ही खाता रहा। और अभी उठाऊं रात को इतनी नींद आ रही थी कि कपड़े पहन के सो गया था। और यार आपको मैं बताता हूँ अभी क्या हुआ। मेरी जो रिसेंटली वीडियो है शमशान घाट वाली, तो मैंने उस वीडियो को शूट किया, इससे पहले बंगलो को शूट किया और एक और वीडियो को शूट किया था। तो यार अगर मैंने सेम डे पे ये लोकेशन शूट कर लिए हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है यार। मेरी कैपेबिलिटी है, मैं एक दिन में शूट कर सकता हूँ। मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा है, मैंने एक दिन में इतनी वीडियो को शूट किया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि आप सेम डे पे कैसे शूट कर सकते हो, ये वो जो भी है। यार मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता, मैं बार बार आना जाना नहीं कर सकता, तेल लगता है, एडिटिंग के पैसे लगते हैं, साथ में खर्चा लगता है, खाना पीना, तो बहुत सारी चीज़ें होती है यार। अगर मैंने वो कर लिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, और मैं यार करता रहूँगा। सो उसमें प्लीज़ इसको नेगेटिविटी में मत लेके जाओ। और आज का प्लान कुछ ऐसा है, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। और आज कैसे जाऊँगा, मैं कैसे जाऊँगा, नहा धो के जाऊंगा। तो अभी मैं नहा धो के आप लोगों से मिलता हूँ। बाय 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 बाय। तो फाइनली अब हम हो गए हैं रेडी और निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, और जा कैसे रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको पहले। तो आज जा रहा हूँ मैं अपनी ये पुरानी फटी स्कूटी से, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चलाता काफ़ी टाइम से। वो भी स्कूटी है, वो भी नहीं चलाता, वो बुलेट भी है, ये भी है। और कार में इसलिए लेके नहीं जा रहा क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में बताया था इसका बम्पर पूरा टूट गया है, तो इसे बस अभी सर्विस पे लेके जाना है बाद में। तब तक मैं इससे अपना काम चला लूँगा। ऐसे ही दे दो भैया, ऐसे दे दो, कोई लगाना ही है वैसे भी अभी थोड़ा। ये मैंने अभी मास्क लिया है 40 रुपीज़ का, क्योंकि दिल्ली में 500 रुपये चलाना अगर मास्क ही लगाएंगे, और अगर नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा। तो 500 रुपये का नुकसान, और लगा लिया तो 460 रुपये का फायदा। 460 रुपये फ़ायदा हुआ है, मैंने ये मास्क ले लिया भैया, थैंक यू भैया। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखो भाई देखना, 210 रुपये की पर्ची आई होगी सागर तिवारी नाम से। फाइनली मैं उनके घर पे पहुंच चुका हूं। मेरे दो दोस्त यहां पे रहते हैं और बाल तो ऐसे ही हैं, इसी घर पे हेयर ड्रायर यूज़ करूंगा, बाल सेट करूंगा, तो इग्नोर करना। ये वाला घर एक मेरे अर्चित दोस्त का है, और ये नितिन का जो मेरे गांव वाले ब्लॉग में था, तो यहीं से आवाज़ मारता हूँ। नितिन वे आ जाऊँ सर, मैं आई कम इन। बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, ऊपर आ जा। खाने बनाया कुछ, ले पकड़ ले। आप बस की नहीं बेटा नहीं पकड़ पाएगा, चल आ। देखो ऐसे लगा रखे जैसे बेचनी हो, ये वाली 15 रुपए की, ये वाली 10 रुपए की, बिल्कुल काले हो रखे हैं, और ये 100 रुपए की काफी है। ये मेरा लग रहा है इसलिए लगा रखे जैसे बेचने हो, देखो ये खड़ा हुआ ये टॉवल में आ रहा, रुक जा, संस्कार दिखाओ पहले यहाँ पे शूज उतार के। भाई कोई बेच गया ना मेरे सुपरस्टार के, पहले बता रहा हूँ, देख लो भाई, अगर मेरे कोई चोरी करके ले गया ना मैं तेरे से लूंगा पैसे, याद रखियो। फिर ठीक है, मैंने बताया था ना मैं इसी के घर पे जाके बाल सेट करूंगा, क्योंकि हेलमेट लगाना मुझे सच में बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरे हेयर स्टाइल बिल्कुल माँ में नहीं हो जाती है, तो यही सेट कर लेना है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं मैं क्या करता हूँ, तो देखो नहाने के बाद भैया ड्रायर लगता है बाबू, और ड्रायर लगाने के बाद ये रोलर का यूज़ होता है, रोलर यूज़ होने के बाद हेयर्स पे लगाता हूँ, बस इतना ही सिंपल है। 15-20 मिनट नहीं लगते, सिर्फ मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मिनट लगते हैं, और इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त खाना आ रखा है। खाना क्या आ रखा है, मेहमान नवाजी होगी हमारी, तो मिलते हैं फिर खाने के साथ।
तो आते ही मुझे लंच मिल गया, वैसे मैंने सब्जी सारी खा ली है इसमें से, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं ज़्यादा खाता हूँ, और ये इन दोनों का है, इन्होंने बाहर से मंगवाया छोले कुलचे बेड़मा पूरी, और ये नितिन और ये अर्चित मैदानी। नितिन के बारे में तो आपको पता ही है, बिजनेस करता है और अब यूट्यूबर भी बन गया भाई साहब हमारे। और अर्चित मैदानी असिस्टेंट डायरेक्टर है बॉम्बे में, किसके अंडर करता है? अहमद खान के। तो भाई ये दोनों मेरे कॉलेज के जोड़े जो बन गए अब एक नंबर के, आप समझ जाओ मतलब घोड़े बन गए बाबू। तो काफ़ी टाइम बाद हम मिलते रहते हैं, और इनका घर है प्रीत विहार के नियर बाय, तो मैं यहीं आता रहता हूँ इनके पास। चलो अभी ये इंजॉय करें, और यहाँ पे भी कुछ चल रहा है। शक्ल देख के लगता नहीं होगा कि ये इतना अनपढ़ है, शक्ल इसकी बहुत गोरी चिट्टी है, पता नहीं भाई कैसे असिस्टेंट डायरेक्टर बन रखे बॉम्बे में, इतने ऊपर तक टॉप अप कर दिए लिम का, कैसे भी हुए इसे समोसे लेने जा रही है, समोसे 5 रुपए एक समोसा, और मेरा 10 रुपए मोसा। ऐसा समोसा लेने जा रहे है, इतना नामी समोसा है कि समोसे को खाते ही जिंदगी बदल सकती है आपकी। क्या कह रहे हैं? आगे चलो। लक्ष्मी नगर की गलियां हैं बाबू, और ये बताते हैं कि हम बहुत वाईफाई जगह रहते हो, हमारे यहाँ ढंग से वाईफाई तो चलता नहीं भाई। एक और प्लेट मंगवा ले सबके लिए अलग अलग। इन भाई साहब का धन्यवाद, इन्होंने मुझे समोसा खिलाया, समोसे के साथ चटनी थी, चटनी के साथ हरी चटनी थी, हरी चटनी के साथ लाल चटनी थी, चटनी इतनी चमकदार चटनी थी कि वो चटनी भी समोसे साथ बड़ी मसले थी। चाय है चूड़िया खनके की, और खास चूड़िया खनके की, पिंक्या चमकेगी, और ये ब्राउन ब्रेड का पैकेट भाई साहब, इन दोनों में से मुझे भूख लगती है, तो उसमें क्या गलत है? अब इन लोगों का अगर बड़ी मुश्किल से लोग मुझे इन्विटेशन देते हैं, और अगर यहाँ पे आके नहीं खाऊंगा एक बार में सारा, हमने तो एक ही बार ही बुलाया था, आना आ जा, अभी आ गया बक्के, हम क्या करें? देख रहा कितनी बार है, पर कोई बात नहीं, मेरे एक बार बुलाया था, मैं तो बुलाया कॉलेज के दोस्त, धमकी मिली थी किसी से कि नहीं आओगे। हाँ एक्चुअली आज मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक इवेंट था जिस वजह से मैं यहाँ पे घर पे आया था, एक इवेंट था और वो पर्सनल इवेंट था, मतलब फैमिली के मेम्बर्स आ रखे थे, जो इसके कुछ ऑफिस के और जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं वो यहाँ पे, एक मीटिंग थी तो उनसे मिले थे, बट वो मैं ब्लॉग में नहीं ले सकता था क्योंकि वो थोड़ी सी यू नो पर्सनल चीज़ें थी, ऑफिशियल चीज़ें थी, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी ये कह सकते हो। तो बस यही सब कुछ था, मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, और बस ये यार ये बात बता, तुमने खाना खा लिया, सब कुछ खा लिया? खाया नहीं है, आपने खिलाया है, आपने पूछा है, आपने इज्जत दी है, मेहमान नवाजी की है। हां वही 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 वही, इट्स ऑल हाउ आई गिव रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड्स एंड, बट एक मेन चीज ये पीछे चश्मा क्यों लगाता है? चश्मा मैं क्यों लगाता हूं पीछे? तो उसका जवाब ये देगा भाई, इसके क्या है ना, इसकी बैक स्टैबिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं। एक नंबर बात बोली, थोड़ा कैमरे में आके बोल, ये चश्मा मैं क्यों लगाता हूँ ऐसे बता? क्योंकि इसकी बैक स्टैबिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इसको पता चल देगा कि पीछे से कौन इसको बैक स्टैब कर रहा है, पीछे से कौन वार करने वाला है, और कौन मुझे चार करने वाला है। वैसे बाबू चार करने की थोड़ा मुश्किल है, प्यार करने वाले हैं बाबू मुझे, चार तो कोई नहीं कर सकता, चार तो मेरी, हाँ चार बार बैक स्टैबिंग की है, अब कराने की हिम्मत नहीं है। तो चल रहे हैं यार, अब यहाँ से निकल रहे हैं, और आपको दिख नहीं रहे होगी वैसे, चलो छोड़ो मैं नहीं दिखा रहा, खाली प्लेट है, खाली प्लेट है। वहाँ से निकला, खा के निकला, यहाँ आया, फिर खा के निकला, और अभी मैं आया हूँ तिलक नगर में, और ये पनीर शोरमा रोल खाए जा रहे हैं, और बाकी एक पनीर रोल का ऑर्डर भी रखा है, तो बस अभी इसी को एंजॉय। सबको बाय बोल दो, ये लो बैग लो। जस्ट अभी मैं घर पे पहुंचा हूँ, शिव को लेने गया था, वो अपने नानी हाउस गया था, स्कूटी पंक्चर हो गई थी, तो भाभी ने मेरे को वहाँ पे बुलाया, इमरजेंसी कॉल थी, सब अपनी अपनी स्कूटी लेके जाते हैं, हमारी स्कूटी पंक्चर हो गई थी,
और आज का व्लॉग इतना ही है, इतने में ही सब ख़त्म करते हैं। और आप सबको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम है फॉलो मी, स्नैपचैट फॉलो मी, लाइव अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लिए। और वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और मेहनत के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, तभी तो अपने चैनल पे इतना ज़्यादा मर रहा हूँ और आपके लिए बस अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। जो भी डेली अपडेट्स हैं मेरी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।